That do you know that decision making is one of the important part in ZAT 23, and I am going through that is because some of the questions I have arranged in my videos that is the most important questions, and I will discuss only 3 to 4 questions, only 3 questions, and in next video I will come more. And if you can get connected with my email ID or you can send my email, I can arrange a class through Zoom link so that you will be benefited from that classes also. So this is the thing, that first question is that when you get angry, you usually, that may be some of paragraph, that may not be some paragraph, because that is totally related to the critical reasoning or the decision making. So it is the question like that when you get angry, you usually, first option is just throw things, that cannot be, okay, withdraw yourself and start crying, even nahi hoga. Then third is leave the situation and engage yourself in a different activity. ये क्योंकि हो सकता है, क्योंकि देखिए ये जो है ना, इसका पॉसिबिलिटी है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर होने से क्या होगा ना, आपको जो जो चीज़ जो है ना, चीज़ वो भी अक्षत रहेगा, और क्या होगा ना, जो आपको भागना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना. दूसरा काम में आप एंगेज रहिए, उसमें क्या होगा ना, आपका एंगर जो है वो ख़त्म हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट योर मेड हैज़ इन्वाइटेड यू टू हर डॉटर्स वेडिंग. ओके, आपका जो मेड है, घर वालों घर में जो काम करती है, वो क्या है ना, उसका जो बेटी का शादी में आपको इनवाइट किया है, यू वुड क्या कीजिएगा आप, ठीक है ना. पहले ऑप्शन क्या है, कॉम्प्लीटली इग्नोर हर, पहले आप इग्नोर कर दीजिएगा, ये तो ठीक नहीं है इग्नोर करना. अटेंड द वेडिंग, अटेंड तो करना ही है वेडिंग, ओके. देन ऑप्शन इज दैट बाई ए गिफ्ट फॉर आर डॉटर एंड हेल्प इन वेडिंग, दैट इज द सेम ऑप्शन, बट दैट इज द बाई ए गिफ्ट फॉर हर डॉटर. एंड देन डी कंग्रेचुलेट हर एंड मेक अप सम एक्सक्यूजेस फॉर नॉट बींग एबल टू अटेंड. ये तो नहीं होगा, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, सी होगा, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट यू नो दैट इज यू कैन सेटिस्फाई द बोथ क्राइटेरिया. आई मीन दैट बाई ए गिफ्ट फॉर हर एंड डॉटर एंड हेल्प इन वेडिंग. सो देन नेक्स्ट इज दैट व्हेन यू सी ए ब्लाइंड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द रोड, दैट नंबर थ्री इज व्हेन ए ब्लाइंड मैन, एक अंधा आदमी रास्ता क्रॉस कर रहा है, तो हॉट यू विल डू, देन फर्स्ट ऑप्शन दैट यू वेट ही क्रॉसेज द रोड, टील ही क्रॉसेज द रोड, वो जब तक क्रॉस नहीं करेगा आपको देखना है. आस्क समवन टू हेल्प हिम, क्योंकि इसको पूछना है, उसको जाकर हेल्प कीजिए. एंड देन थर्ड इज गो एंड हेल्प हिम, जो बोलना है जे आप खुद ही चला जाओगे और उसको हेल्प करने लाओगे, ठीक है ना. एंड देन इग्नोर एंड मूव ऑन, तो इग्नोर करना है आपको, इग्नोर करके उसको छोड़ के चलाना है, वो तो नहीं करना है. उसमें क्या होगा ना, सी वाला ऑप्शन ही ठीक होगा, दे गो एंड हेल्प हिम, जो आपको खुद को जाके खुद को हेल्प करें. इस तरीका से आपको डिसीजन मेकिंग में आना है. हम ऐसी क्लास लेते रहेंगे, तो यू कैन ईमेल मी डायरेक्ट सो दैट यू विल बी कनेक्टेड थ्रू माय जूम लिंक, ओके, एंड ऑटोमेटिकली यू विल बी कनेक्टेड विद माय क्लासेस. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.